आदाब नाज़रीन, पेश है खबरें। नई दिल्ली में वज़ीर नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की अपनी हम मनसब शेख हसीना के साथ बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में कई अहम माहदों पर दस्तखत। सभी शहरियों को चाहिए कि सालाना अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का दिल खोलकर इस्तकबाल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जन्मदिन पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी में भी जोशो खरोश के साथ तकारीफ का किया गया इनेकाद। और मुकाबला जाति इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और बदउनवानियों पर काबू पाने के हवाले से सख्त कानून कल से कर दिया गया है नाफिज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की अपनी हम मनसब शेख हसीना के साथ दो तरफा बातचीत की। इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे सेहत व अद्वियात, खलाई शराकत दारी, रेलवे रवाबित, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिशरीज, मेरीटाइम कॉरपोरेशन, ब्लू इकॉनमी वगैरह शोबों में किए गए। इस मौके पर वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सामने बांग्लादेश की हमसाया के तौर इंतहाई अहम हैसियत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस दोनों मुल्कों ने मुश्तरका तौर अवामी फलाही बहबूद के कई अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। वज़ीर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों की मेडिकल सहूलियात के लिए ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी शुरू करेगा। वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने कनेक्टिविटी, कॉमर्स और शराकतदारी पर काफी तवज्जो मरकूज की है और अब डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिव की तरफ तवज्जो मरकूज करेगी, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में इक्तिसादियात को फरोग मिलेगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त और इलाकाई शराकतदार है। मौसूफा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने की दावत दी ताकि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तकिम हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी शहरियों से कहा है कि वो एकजुट होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का इस्तकबाल और खदमात करें। एलजी ने इस सालाना यात्रा के रस्मी आगाज के सिलसिले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम पूजा की। इस दौरान उन्होंने लोगों की बेहतर सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया अफराद से बात करते हुए इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की उन कोशिशों को उजागर किया जो श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान से आसान तर बनाने के लिए की गई हैं। इस मौके पर एलजी ने कहा कि श्राइन बोर्ड और सभी मुतल्लिका महकमे यात्रियों के लिए बेहतर सहूलियात और खदमात दस्तियाब रखने की वादाबंद हैं। 30 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और बोर्ड के सीनियर अफसरान ने भी प्रथम पूजा में शिरकत की। वाजा रही कि रवा साल की यात्रा का इस महीने की 29 तारीख से बालतर और पहलगाम के दोनों रास्तों से बैक वक्त बाजाबता आगाज होगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के कुछ स्वच्छ इकदाम का आगाज किया, जिनमें नया लोगो, स्वच्छ यात्रा एंथम, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका महकमे की सताइश करते हुए कहा कि नया लोगो, स्वच्छ यात्रा एंथम, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट जीरो वेस्ट पिलग्रिमेज के हवाले से काफी सूदमंद साबित होंगे। इस दौरान एलजी ने जीरो वेस्ट, सफाई सुथराई और कुदरती वसाइल व माहौल के
के तहफ्फुज़ के हवाले से यूटी इंतजामिया और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मुश्तरका हिकमत अमली को भी उजागर किया। उन्होंने यात्रा से जुड़े सभी अफसरान और तमाम दीगर मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो तरजीही बुनियादों पर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से कबल ही तमाम जरूरी सहूलियात और खदमात की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज भगवती नगर जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर एडीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यात्रा के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने यात्रा के भगवती नगर बुनियादी कैंप का भी दौरा किया। उन्होंने वहां श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियात के हवाले से जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब कुछ दिनों बाद यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू होगा और उनकी आराम व आसाइश के लिए सभी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में जारी जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 में मुल्क की एक दर्जन से ज्यादा यात्रियों के दस्तकारों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। सयाहत को फरोग देने की गर्ज से मुनक्किदा इस ट्रेड शो में जम्मू कश्मीर के कल्चर और सकाफत की भी अकासी की जा रही है, जबकि इस शो में हैंडलूम टेक्सटाइल्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी और हैंडलूम मसनूआत वगैरह भी रखी गई है। आज इस ट्रेड शो का तीसरा दिन है। वाजह रहे कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस 5 रोजा ट्रेड शो का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवामा की 20 तारीख को किया था, जिसमें कारखानादारों, सन्नतकारों और सरमायाकारों को भी यकजा हो किया गया है। मरकजी इतलात व नशरियात वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ऑफिस श्रीनगर ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नटीपोरा में एक योगा जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बैन अवी योगा दिन की तकरीबा के हवाले से मुनद इस प्रोग्राम में योगा की अहमियत और अफादियत उजागर की गई। इस दौरान माहिर मुकर्रों ने कहा कि जिस्मानी व जहनी तंदुरुस्ती के लिए योगा इंतहाई अहमियत के हामिल है। इस मौके पर योगा से मुतलिक एक क्विज का भी अहतमाम किया गया और फातहन को असनाद और मोमेंटो से नवाजा गया। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्मदिन आज जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी गुरुद्वारों में खासी चहल पहल और रौनक रही। दिन भर बड़ी तादाद में सिख संगतों ने गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और अखंड पाठ में शिरकत की। इस दौरान आलमी इंसानियत की बुका और जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की गई। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहने वाली श्रीनगर में मुनक्किद हुई। यहाँ बड़ी तादाद में सिख फिरके से वाबस्तर लोगों ने हाजिर देकर शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। श्री हरगोबिंद सिंह जी के जन्मदिन के सिलसिले में गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मटन अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में सिख संगतों ने गुरुद्वारा में हाजिरी देकर शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज की सालगिरह पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार हमें भाईचारा और फिरकावाराना हम आहंगी की तकवीत बख्शने का मौका फराहम करते हैं। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी इस मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर खारपुरा बानिहाल में आज एक सड़क हादसे में आईटीबीपी के 4 अहलकार उस वक्त जख्मी हो गए जब एक ट्रक जिसमें वो सवार थे सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ये ट्रक कश्मीर आ रहा था कि इस इलाके में हादसे का शिकार हुआ। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग, क्यूआरटी से वाबस्ता अफराद और रजाकारों ने जख्मी अहलकारों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल पहुंचाया, जहां इनकी हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। कुलगाम जिला में एमजी नरेगा के तहत 80 से ज्यादा आबपाशी नहरों की तजदीदो मरम्मत की गई है, जिसकी वजह से जिला के किसानों को काफी राहत मिली है। तजदीदो मरम्मत का ये काम जिला तरक्याती कमिश्नर अथर आमिर खान की हदायत के मुताबिक किया गया है, जिसकी वजह से जहां अराजी के एक बड़ी रुकबे पर धान की फसल के लिए आपाशी सहूलियात दस्तियाब हुई है, वहीं इसकी बदौलत तकरीबन 4000 कुंभों को रोजगार भी फराहम हुआ है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिला में रवां साल अप्रैल महीने में मुसलसल बारिशों की वजह से आपाशी नहरों को काफी नुकसान पहुंचा था, ताहम इनकी तजदीदो मरम्मत के आपाशी महकमे की मुशाविरत के साथ हर खेत को पानी प्रोजेक्ट मुरतब किया गया और तजदो मरम्मत का यह काम दरदस्त लिया गया। मारूफ मौसीकार और
संतूर वादिक पदम श्री आंजहानी पंडित भजन सोपोरी को उनकी 76वीं जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश करने के लिए हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन और जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट बरादरी ने मुश्तरक तौर श्रीनगर में आज एक तकरीब का अहतमाम किया। खराज अकीदत मौजू के तहत मुनक़िदा इस तकरीब के दौरान आंजहानी पंडित भजन सोपोरी को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया और मौसीकी और कल्चर के तहत उनकी खदमात को याद किया गया। इस मौके पर दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, मुसनफ शायर और ब्रॉडकास्टर सतीश विमल, नामवर मुकर्रर मंजूरुल हक और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इस दौरान कई नामवर कारों ने आंजहानी को खराज पेश करने के लिए अपने फन का भी मुजाहरा किया। फौज की तरफ से कांटबाग बारामूला में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चालू किया गया। रेडियो बारामूला के नाम से टैगलाइन अल्फाज हमारे एहसास आपके के साथ इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मकसद मकामी टैलेंट को बढ़ावा देना और सामाजिक खिदमत है। इस स्टेशन का इफ्तिताह चिनारकोर की GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने किया, जबकि इस मौके पर इन्फेंट्री डिवीजन के GOC, दीगर फौजी अफसरान और कुछ नौजवान भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि इस रेडियो स्टेशन की नशरियात बोनियार, कांट मोहल्ला, नौशहरा, शेरी, ख्वाजाबाग, सोपोर और दीगर नजदीकी इलाकों में सुनी जा सकती हैं। इफ्ताही तकरीब में स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के कश्मीर यूनिट ने सल्यूट टू गैलेंट्री मौजू के तहत आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुख्तलिफ सतहों पर नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले फौजियों के कुंभों की इज्जत अफजाई के लिए मुनक़िदा इस तकरीब के दौरान राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अहलकारों, हुबुल वतन शहरियों और वीर नारियों ने जिम्मेदारी और दयानदारी के साथ मुल्की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर रोल निभाने के हवाले से अहद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो 8वीं जमात तक स्कूल में बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग फराहम करने के हवाले से काम करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह जहां वादी कश्मीर में मुख्तलिफ सियाहती मकामात की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं अवंतीपुरा पुलवामा में कायम अवंती स्वामी मंदिर पांडोलरी बोही सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज है। यहां रोजाना बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं, जो इस मंदिर के फन तामीर से काफी मुतासिर हो रहे हैं। सयाहों की आमद से यहां इक्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही साथ मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। मकामी लोगों और यहां की सैर पर आए सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस मंदिर की तारीखी अहमियत है। मकामी लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि यहाँ की और सयाहों की आमद में मजीद इजाफा होगा। अच्छी कोशिश है आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि हम लोग जान पा रहे हैं अपनी हिस्ट्री, पता चल रहा है क्या था, पास्ट कैसा था। नाइस एफर्ट कि वो लोग रिस्टोर कर रहे हैं इस मंदिर को, सबको पता लगेगा कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। इससे जो हमारी जो लोकल इकोनॉमी है, यहाँ के जो लोग हैं काफी इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, उनको काफी इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाता है इस चीज का। क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के या जो भी व्हाट एवर द थिंग्स जो उनको चाहिए होता है तो वो यहाँ से लेते हैं। श्रीनगर में आज फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरों के अलावा सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि एसोसिएशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी किया गया। मीटिंग में फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को दरपेश मसाइल और मुश्किल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकज ने एक सख्त कानून लागू किया है, जिसका मकसद मुकाबला जाति इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और बदउनवानियों पर काबू पाना है। इस कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजाए कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। सरकारी गेजेट में शाया एक नोटिफिकेशन में अमले की वजारत ने बताया कि ये कानून कल नाफिज कर दिया गया है। इस कानून का मकसद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती इम्तिहान और दीगर इदारों की तरफ से कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस कानून में नकल पर काबू पाने के लिए 3 से 5 साल तक की कैद की सजा और नकल करवाने के मुनज्जम जराइम में मुलव्वस लोगों को 5 से 10 साल कैद की सजा दी जा सकती है और इन पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है।
जून 2024 का CSIR UGC नेट मुश्तरका इम्तिहान कुछ नागुजेर हालात और लॉजिस्टिक मामलात की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। इम्तिहान मुनक्किद करने वाली एजेंसी NTA ने एक सरकारी नोटिस में कहा है कि ये इम्तिहान इस माह के 25 से 27 तारीख के दरमियान मुनक्किद होना था। NTA ने कहा कि इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान सरकारी वेबसाइट के जरिए बाद में किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DDNews श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।